जिले के पंखाजूर में फिर एक बार खाद की कालाबाजारी के साथ नकली खाद बेचने का सिलसिला हुआ तेज। पंखाजूर के कापसी क्षेत्र में एक पिकअप डीएपी का नकली खाद को कृषि विभाग के अधिकारियों ने जब्त किया है। आखिर सवाल उन अधिकारियों से है जो इस नकली खाद के गिरोह को पकड़ पाने में असफल नजर आते हैं। क्या हर साल की भांति इस साल भी ये नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए हमारे संवाददाता सुवो पाइक ने मौके पर किसानों से नकली खाद को लेकर बातचीत की। क्योंकि आपका मैनुअली और फिजिकली चेक किए, क्योंकि अभी जो खाद का जो बोरी जो है मिनवली कंपनी का ही है। जब हमारे विभाग द्वारा उसमें जांच के लिए लिया जाएगा तभी उसका रिपोर्ट पता चलेगा। लिखने के बाद एक बार खुला था हमारा लड़का, खुलने के बाद देखा है वो उसमें मिट्टी है। जब मिट्टी है रेती है तब तो इतना वजन बढ़ेगा, रेती और मिट्टी का खाद का वजन बराबर नहीं आता। ये खाद आप लोग मंगवाए थे कि ये लोग बेचने आए थे? नहीं, इन लोग बेचने आए थे, खुद से बेचने आए। खुद से बेचने आए। क्या लगता है खाद देख के क्या लग रहा है, नकली है कि ओरिजिनल है? नकली लगता है, मट्टी है। किसकी लापरवाही लगता है, किसकी गलती मानते हैं? ये जो बना रहा है जो कंपनी है इसको लापरवाही मांगता है, जो बेचता है उससे किसान को कितना नुकसान होगा? किसान को तो भरपूर नुकसान होगा। ये रेती अगर मट्टी में खेत में देगा तो धान कैसे पैदा होगा? धान तो उगेगा ही नहीं। होगा ही नहीं। कहाँ के रहने वाले? अभी जो आपने डीएपी लाया कहाँ से लाया? ये रायपुर से। रायपुर, किसने बुलाया यहाँ पे? वो आदमी का नाम पता नहीं है, वो भाग गए हैं। आप ट्रांसपोर्टर को नहीं जानते तो क्या, गाड़ी किसने भरवाया था? गाड़ी वो रायपुर वाला सेठ है ना, फोन क्या नाम है कॉन्ट्रेक्टर द्वारा? क्या नाम है? नाम भी पता नहीं है। कहाँ से भरे सब? ये रायपुर डूमर तरई माना वाला। मानस, क्या बोले थे, क्या बोले थे, कहाँ पहुँचाना है माल? ये माल कपसी के और आगे गाँव है। और यहाँ पे कहाँ छोड़ना था माल? यहाँ बताया नहीं थे।